संबलपुर नाम के एक गांव में हीरा नाम का आदमी रहता था। उसकी एक तेल की दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने के कारण वो हर किसी से तेल का ज्यादा दाम लेता और वजन में भी लोगों को कम तेल देकर ठगता। एक दिन एक ग्राहक ने हीरा से कहा, हीरा जी, आप तो तेल का बहुत ज्यादा दाम लेते हैं, शहर में तो काफी कम दाम में मिलता है। हीरा गुस्सा होकर और झिड़क कर कहा, अच्छा तो जाओ, शहर से ही क्यों नहीं ले लेते? फिर भी हीरा जी, इतना ज्यादा दाम। शहर से यहाँ तक लाने का किराया नहीं पड़ता क्या? और वैसे भी हम बिजनेस करने के लिए दुकान खोले हैं, दान धर्म करने के लिए नहीं। यह सुनकर ग्राहक चला जाता है और ऐसे ही हीरा हर किसी को खरी खोटी सुना देता, जब भी कोई उससे ज्यादा दाम के लिए कहता था। उसी गांव में मंगल नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही अच्छा और दयालु था। उसकी किराने की दुकान थी। वो लोगों से सही दाम लेता और समय पड़ने पर सबकी मदद भी करता था। वो अपने दुकान पे सारा सामान रखता, सिर्फ तेल को छोड़ के। वह यह नहीं चाहता था कि उसके वजह से हीरा को कोई नुकसान हो। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाला इंसान था मंगल। लेकिन हीरा का इस तरह ज्यादा दाम लेना उसे भी सही नहीं लगता था। एक दिन रामू सामान लेने मंगल के दुकान पर गया और सामान का लिखा पर्ची मंगल के हाथों में देते हुए कहा, मंगल जी, आप सारे सामान रखते हो पर तेल क्यों नहीं रखते? हीरा काफी दाम लेकर गांव वालों को ठग रहा है। आप अगर तेल रखते तो हमें कम दाम में तेल मिल जाता। यह सुनकर मंगल ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, मेरी दुकान में हर तरीके का सामान है, लेकिन हीरा तो सिर्फ तेल बेचता है। अगर मैं भी तेल बेचना आरंभ करता हूँ तो आप जैसे कई लोग मेरी दुकान से ही तेल लेंगे, तो हीरा क्या काम आएगा? उसका भी तो परिवार है ना। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो तो इतना ज्यादा दाम लेता है कि। मंगल कुछ सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, कल से मैं भी तेल रखूंगा और तुम कम दाम में मेरे दुकान से तेल ले सकते हो। यह सुनकर रामू खुश हो जाता है और मंगल के दुकान से राशन के सामान लेकर चला जाता है। अगले दिन रामू तेल लेने के लिए मंगल के दुकान में आता है और सामने में ही सामान के बोर्ड पर तेल का दाम देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मंगल भैया, 1 लीटर सरसों का तेल दे दो। अरे भाई, जल्दी आना चाहिए था ना, कम दाम सुनकर सारे लोग ज्यादा ज्यादा तेल लेकर चले गए, पर आज तो घर पर एक बूंद भी तेल नहीं है, खाना कैसे बनेगा? आप एक काम करो, आप हीरा के ही दुकान से तेल ले लो, अगली बार मेरे दुकान से ले लेना। यह सुनकर मंगल हीरा की दुकान से तेल लेने जाता है और यह क्या, हीरा के बोर्ड पर तेल का दाम मंगल की दुकान से भी कम लिखा है। वह मन ही मन खुश हो जाता है और कम दामों पर तेल लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद रामू मंगल के दुकान पर तेल लेने आता है। अरे रामू भाई, आप हमेशा देर कर देते हो, कम दामों पर तेल देता हूँ ना, इसलिए आज भी तेल खत्म हो गया। आप एक काम करो, आप हीरा के दुकान से ही तेल ले लो। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है, अब तो हीरा आपसे भी कम दामों पर तेल दे रहा है। यह तो अच्छी बात है, आप हीरा से तेल लेके जाओ। रामू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और हीरा के दुकान से तेल लेकर जाता है। पर उसे एक बात समझ नहीं आती, उसने किसी को मंगल के दुकान से तेल लेते हुए देखा नहीं, फिर तेल खत्म कैसे हो जाता है? यह सोचते सोचते वह फिर मंगल के पास जाता है और बोलता है, मंगल भैया, एक बात सच बताओ, आप तो तेल रखते नहीं हो, फिर ये बोर्ड पर तेल का दाम क्यों लिखते हो? मंगल हंसते हुए कहता है, मैं तेल नहीं रखता हूँ, यह सच बात है, लेकिन मेरे बोर्ड पर तेल का कम दाम लिखने पर सभी लोग ये बात हीरा को कहते हैं और हीरा मेरे से भी कम दामों पर आप सभी को तेल देता है। इससे आप सभी को सही दाम पर तेल मिल जाता है और हीरा का भी नुकसान नहीं होता। कहा था ना, उसका भी तो परिवार है। आप बहुत अच्छे हो मंगल भैया,
आप बिना किसी को बताए ही हमारी मदद करते हो और हीरा जैसे लालची इंसान को भी सही रास्ते पर ले आए। तो बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि अच्छे काम करने के लिए हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती। कई बार चुपके से किया हुआ काम दूसरों के लिए सही साबित होती है। बस हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। दूर कहीं एक गांव था जिसका नाम सीतापुर था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके तीन बेटे थे और तीनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बड़े बेटे का नाम श्याम था, मझले का कृष्णा और छोटा का गोपाल। वह तीनों भी अपने बापू के साथ खेती करते थे पर आपस में कोई भी काम मिलकर नहीं करते थे। किसान बेचारा यह देखकर काफी परेशान रहता था, उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसने काफी दफा कोशिश की थी इन भाइयों के बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार लाने की, पर वह हर दफा असफल ही होता। वह रोज उठकर खेत पर काम करने जाता और साथ में अपने बेटों को भी ले जाता, इस आस के साथ कि शायद साथ चलें तो हो सकता है कि कभी आपस में बात करें एक दूसरे से। उस दिन भी उसने रोज की तरह वही किया। अरे बच्चों, चलो उठ जाओ, मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ता बना लिया है, जल्दी से खा लो और फिर चलते हैं काम पे। बापू, आप ही रोज रोज खाना ना बनाया करो, हम अब खुद से बना सकते हैं ना। बेटा, वो तो मुझे पता है, पर तुम तीनों अपना अपना खाना अलग बनाने लगते हो जिस वजह से सारे कामों में देर होती है, और इस बीच तुम लोगों में इस बात के लिए लड़ाई भी हो जाती है कि मैं किसके बनाए खाने को खाऊं। तो इससे बेहतर तो यही है कि मैं ही सबके लिए खाना बनाऊं। तुम्हारे माँ के गुजरने के बाद तुम भाइयों में भी अब वो प्यार नहीं रहा। खैर, इन बातों को छेड़कर कोई फायदा नहीं, पर फिर भी तुम तीनों इस बारे में सोचना, आपस में प्यार और एकता हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ओहो बापू, आप सुबह सुबह फिर चालू हो गए। गोपाल, तुझ में तमीज नहीं है बात करने की? कोई ऐसे भला बात करता है अपने बापू से? दोनों में बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे तीनों भाइयों के बीच फिर अच्छी खासी बहस होने लगी, और वो बेचारा किसान उन्हें चुप कराने की कोशिश करता पर कोई उसकी एक ना सुनता। तभी गांव में अचानक शोर शराबा चालू हुआ। किसान भागते हुए बाहर आया, उसने एक गांव वाले से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई भाई, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे भैया, क्या बताएं हम आपको, गांव में अभी डाकिया आया था और उसने ये बताया है कि गांव में तूफान आने वाला है, सबको चौकन्ना रहने को कहा है। हम सब अपने घर के छतों के लिए रस्सियां इकट्ठा करने जा रहे हैं ताकि घर सुरक्षित रहे। आप भी अपने बेटों को साथ ले चलो, अपने घर के छत को मजबूत से बांध लो। किसान अंदर जाकर अपने बेटों पर चिल्लाया और कहा, तुम लोगों को बस अपने झगड़े की ही पड़ी रहती है, बाहर का कोई होश ही नहीं। तूफान आने वाला है, सबको चौकन्ना रहने को कहा गया है, अब चलो घर के छत को और मजबूती से बांधना होगा। मैं चलता हूँ आपके साथ बापू, ये लोगों से कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों किसी काम के नहीं है। यह सुनकर फिर तीनों में झगड़ा शुरू हो गया और किसान यह देखकर उनसे रोते हुए बोला, बेटे, कल को मैं मर गया तो तुम तीनों शायद एक घर में रहना भी पसंद नहीं करोगे। मेरे जीवित रहने तक ये झगड़ा ना करो। यह कहकर किसान चल पड़ा रस्सियां इकट्ठा करने, और हवा के वजह से उस पर एक पेड़ आ गिरा
तीनों बेटे भागते हुए उसके पास पहुंचे और उस पेड़ को हटाने की कोशिश करी, पर तीनों एक एक कर कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से किसान अब भी उस पेड़ के नीचे दबा हुआ था। हमें अगर बापू की जान बचानी है तो हमें साथ मिलकर उन पर से पेड़ उठाना होगा, वरना ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीनों राजी हुए और उस पेड़ को उठाया और उन्होंने देखा कि पेड़ उनसे उठ रहा है और उन्होंने बापू को निकालकर उनकी जान बचा ली। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? आपस में प्यार और एकता का होना बहुत जरूरी होता है।